पास वो कुछ इस तरह होता है कि उनकी एब्सेंस हो सकती है, जैसे स्टेनोकोस्टल हेड बैक मेजर का एब्सेंट हो सकता है, पैलमेरिस लॉन्गेस्ट, ट्रेपीजियस, सेरेटस इंटीरियर, क्वाड्रेटस फेमरिस वगैरह। हमारे पास अक्सर तो ये होता है कि सिंगल मसल ही एब्सेंट होता है वन साइड ऑफ द बॉडी से, या सिर्फ कुछ पार्ट होता है मसल का जो कि जिसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन ओकेजनली ये होता है कि पूरा मसल या दोनों साइड ऑफ द बॉडी पर वो मसल एब्सेंट होता है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर की बात करें, उसका स्टर्नल हेड एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसकी एसोसिएशन होती है विद द सिंडिकली के एक ही, मतलब ये दोनों चीज़ें साथ अगर कर रही होती हैं, सिंडिकली यानी फ्यूजन ऑफ डिजिट्स, और ये बेसिकली पार्ट होते हैं पोलैंड सिंड्रोम का, जिसके अंदर पैक मेजर, पैक माइनर और इप्सिलेटरल जो ब्रेस्ट है उसका भी हाइपोप्लेजिया होगा, और उसमें रिब्स भी एब्सेंट हो सकती हैं दो चार। एब्सेंस होती है पेक्टोरलिस मेजर की तो चांसेस होते हैं कि मेमरी ग्लैंड भी एब्सेंट हो, ठीक है, और हाइपोप्लेजिया हुआ हो निपल का भी। बात करें कि अगर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स जो हैं उनके केस में ये हो रहा है, यानी एब्सेंस है उन मसल्स की, तो उसकी वजह से हमारे पास प्रून बेडली सिंड्रोम या एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर होता है, जिसमें हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं विजिबल होते हैं, पैल्पेबल होते हैं, यानी मैलफॉर्मेशन हुई होती है बेसिकली यूरिनरी ट्रैक और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह की। इसमें अगर हम फर्दर डिटेल की बात करें तो यूँ हो रहा होता है कि पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल जो होती है ब्लैडर की वो एक्सपोज होती है टू द एक्सटीरियर पार्ट, और जो इंटीरियर ब्लैडर वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ये हमारे पास कंजेनिटली जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉजेज इसके न्यूरोजेनिक भी हो सकते हैं, मायोजेनिक भी हो सकते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी इसका कॉज हो सकती हैं। इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, मसल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाई फैट एंड फाइब्रस टिश्यू, और जॉइंट जो होती है वो इमोबिलिटी कॉज हो जाती है, स्टिफनेस और हाइपोप्लेजिया आकर हो जाता है। कॉजेज इसके अनक्लियर ही होते हैं, और फिर ये लीड करती है टू द कंडीशन विच इज़ नोन एज फीटल एकाइनीजिया, जिसमें जो होता है वॉलंटरी मूवमेंट्स वो एब्सेंट होती हैं, या उनके जो पावर होती है होल्ड होता है वो नहीं होता उसके अंदर। बाकी हमारे पास है मायोप्लेजिया की, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास रिस्ट और एक्सटेंशन ऑफ नी और टेलीपस इन दोनों के जो होते हैं बायलेटरल फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हुए होते हैं, और इसके अलावा टेलीपस एक्वाइनोवेरस की कंडीशन अगर हो रही होती है, लेकिन बाकी जॉइंट्स जो होते हैं वो स्पेयर होते हैं। फिर आ जाते हैं वेरिएशन इन मसल्स। मसल्स होते हैं जो कि फंक्शनली वेस्टिजियल हैं ह्यूमंस के अंदर, जैसे एक्सटर्नल ईयर और स्कैल्प के मसल्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ मसल्स हैं जो कि सिर्फ लोगों में प्रेजेंट होते हैं लेकिन बाकी प्राइमेट्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टर्नलिस मसल होता है जो कि एक बैंड की तरह का मसल होता है पैरेलल टू द स्टर्नम आकर कर रहा होता है। जैसे कंजेनिटल टॉर्टिकोलिस, इसे हम राइनेक भी कहते हैं, ये इसका स्नैरियो आया करता है व्यूहिली। इसमें ये होता है कि टीयरिंग ऑफ फाइबर हो जाते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और ब्लीडिंग होती है लोकलाइज्ड एरिया पर और हीमाटोमा फॉर्म हो जाता है। तो हमारे पास नेक्रोसिस मसल फाइबर की होने लग जाती है और फिब्रोसिस डेवलप हो जाती है। अब ये होता है कि मसल की शॉर्टनिंग हो जाती है, यानी लेटरल बेंडिंग हो जाएगी हेड की टू द अफेक्टेड साइट, और हमारे पास हेड जो होगा वो इट वुड बी टर्नड अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द शॉर्ट मसल। लेकिन ये भी देखा गया है कि सिजेरियन सेक्शन के केस में भी ये राइनेक जो है ये टॉर्टिकोलिस जो है पैर हो रहा होता है। इसके और भी कॉजेज हो सकते हैं कि इंट्रायूटराइन क्राउडिंग थी या वट एवर। फिर आ जाते हैं प्रून वैली सिंड्रोम, जिसके अंदर एब्डोमिनल मसल की डिफिशेंसी होती है या उसका हाइपोटोनिया हुआ होता है। नियोनेट्स की बात करें तो उनके केस में प्रून वैली सिंड्रोम में जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा होता। इसके अलावा मेगा यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल वॉल इतनी थिन होती है कि हमें विसरास जो होते हैं पैल्पेबल और वेसिबल होते हैं। इसके कॉजेज की बात करें तो हमारे पास ट्रांजिएंट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर ये होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक मेसोडर्मल कुछ टिश्यूज होंगे जो डिवेलप ही नहीं हुए होंगे। उसके बाद एसेसरी मसल आ सकते हैं, हमारे पास सोलियस एसेसरी प्रेजेंट हो सकता है या फ्लेक्सर मसल्स कुछ एसेसरी प्रेजेंट होते हैं फुट में, जैसे क्वाड्रेटस प्लांटे मसल होते हैं। इसके अलावा इनकोनियस पे एसेसरी मसल के तौर पर प्रेजेंट हो सकते हैं।